अनोर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूरी मजबूती के साथ आज नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए संसदीय दल की बैठक में नेता चुन लिया गया और पूरा चुनाव में एनडीए बहुमत में आई है, तो एनडीए की सरकार बन रही है, ओथ हो जाएगा एक दो दिनों के अंदर में, इसमें कोई शंका है क्या? जिनको शंका लगता है या जिनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है तो वो थोड़ा अपना इलाज करा ले, तब पता चल जाएगा उनको। अभी तो पराजय हुई है, उसके बाद भी जो है से तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अभी तक जो है से नहीं सुधरे हैं, यही गलतियों के कारण जो है से यह असर जनता ने उनका किया है। एनडीए की तीसरी बार सरकार और वो भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से मजबूती के साथ आगे बन रही है और चलने वाली भी है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी ठग रही है। नीतीश कुमार जी हम मुख्यमंत्री हैं, बिहार के नेता हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं। एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है नीतीश जी के नेतृत्व में, और अब दिल्ली में भी एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है से ये तीसरी बार बनने जा रही है, और उसमें बड़े सहयोगी दल के रूप में हमारे अगर चंद्रा बाबू नायडू हैं तो नीतीश कुमार भी हैं। और नीतीश कुमार जी ने इतना तक कहा कि पूरी मजबूती के साथ हम आपके साथ खड़े हैं, और सब लोगों का जो इच्छा है कि भाई काम जो बचा हुआ है, अधूरा है, जो नहीं हो सका है इस तीसरे टर्म में, उसको पूरा करना है। और ये लोग जो विपक्ष के लोग हैं जो इधर उधर बातें बोल रहे हैं, इन सब को अगले चुनाव का लक्ष्य भी उन्होंने दे दिया कि अगले चुनाव में इन सबको समेट देना है। जो थोड़ा बहुत हम लोग की गलतियों के कारण वो आ गए हैं, तो अब अगली बार जो है से इनका पूरा पत्ता साफ हो जाएगा, अगली बार कहीं दिखाई भी ये नहीं पड़ेगा। ये तो दावा कर रहे थे इंडिया गठबंधन की, हम 300 सीट ला रहे हैं, यहाँ तो 4 सीट लाए। हवा निकल गया ना, ये तरह तरह की बातें कर रहे थे, कितना सब गुफा छोड़ रहे थे, कितना हमारे बारे में जो है थे कितनी बातें किए, लेकिन उसका जनता पर कोई असर नहीं पड़ा। जनता को भरोसा था मोदी जी के ऊपर, एनडीए के ऊपर, ये जो कहती है वो करती है, और 10 वर्षों तक कर कर करके दिखाया है आम जनता के, उनके इच्छा के अनुरूप उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम किया है, उनकी समस्याओं को दूर करने का काम किया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो प्रधान सेवक के तौर पे देश की एक एक जनता की सेवा लगातार 10 वर्षों तक बिना थके, बिना रुके, बिना सोए करते रहे, और इसी का नतीजा है कि तीसरी बार जो है फिर से देश की जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया, उनको ऊपर विश्वास किया, उनको फिर जो है सरकार बनाने के लिए बहुमत देने का काम किया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की अब जरूरत है, क्या मिलेगी? अरे ये सिगुफा छोड़ते रहते हैं, ये तो लूटते रहते हैं, काम कर रहे हैं ना, विकास कर रहे हैं। बिहार का कितना एनडीए की सरकार में विकास हुआ, 15 वर्ष तक, 90 से 2005 तक उनके माता पिता का शासन था, क्या स्थिति था बिहार का, जंगल राज, सड़कें समाप्त जो है से, कोई न बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था किसी प्रकार का नहीं, कुछ विकास नाम का नामो निशान नहीं था। आज जो है से विकास बिहार में बढ़ रहा है, आगे जो है से विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में प्रगति हो रहा है, हर क्षेत्र में, और ऊपर से अब केंद्र की सरकार, वो भी जो है से डबल इंजन की सरकार, अब बिहार में सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार, आकांक्षाओं की सरकार, विश्वास के साथ पर खरा उतरने वाली सरकार, और मोदी जी विशेष नज़र के तौर पे बिहार को विकास पे एक एक योजनाओं को देने वाला जो है से ऊपर में सरकार, तो अब दोनों का ये जब सम्मिश्रण होगा तो फिर जो है से बिहार का कोई छूटेगा नहीं काम, हर काम पूरा होगा और बिहार अन्य राज्यों की भांति उसके साथ खड़ा नजर आएगा विकास की प्रगति में। जो है तेजस्वी कह रहे हैं कि रोजगार तो मिलता नहीं है, क्या देंगे बिहार वासियों को? अरे भाई वो क्या करेंगे, झूठा जो है से दिलासा दिलाते हैं, सगुफा छोड़ते हैं और श्रेय लेते हैं। ये नौकरी अगर मिला बिहार के अंदर में तो एनडीए की सरकार ने दिया,
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया और नीतियां बनी थी जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी साथ साथ थे। जब जब साथ होता है भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार के साथ, तब तब विकास ये पता चलता है, विकास लोगों को एहसास होता है। लेकिन ये लालू यादव से विकास का तो नामो निशान नहीं है, उनके दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। उनको जब मौका मिलता है तो लूटते हैं बिहार को, और लूट कर करके अपने परिवार को स्थापित करते हैं, अपने परिवार के लोगों को देते हैं पूरा नौकरी के बदले में जमीन। कितना ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जांच कर रही है, कितनी संपत्तियों को अटैच किया है, लोगों से जमीन लेना, लोगों से मकान लेना, लोगों से पैसे लेना, सब जो है से नौकरी के बदले में, हर काम में जो है से गड़बड़ी, हर विभाग में घोटाला, उनके शासन का यही न रहा है स्थितियाँ। उनको भरोसा बिहार की जनता पर नहीं था, अपराधियों पर था, लोगों पर जो ऐसे था, असामाजिक तत्वों पर था, भ्रष्टाचारियों पर था, उन्हीं पर भरोसा करते थे, उन्हीं लोगों को सह देते थे। और उनके शासन में केवल भ्रष्टाचार ही होता था, केवल अपराध ही होता था, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहता था। तो ये तो उनका है, और कितना जो है इससे लोगों को भरोसा दिलाएंगे, कितना दिलासा दिलाएंगे। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, बार बार कह रहे हैं, 20 के चुनाव में इसी प्रकार का भरोसा दिलाए थे, माफ़ी मांगे थे, लेकिन बिहार की जनता को जो है इससे उनके ऊपर भरोसा नहीं हुआ कि ये झूठा, ये घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं केवल जो है इससे कुर्सी लेने के लिए, कि किसी प्रकार से कुर्सी मिल जाए और उसके बाद फिर इनका जो है इससे लालू के बेटे हैं बापे पूत परापत घोड़ा कुछ नहीं तब थोड़म थोड़ा, ये जो है से लालू के और राबड़ी के नक्शे कदम पर ही चलने वाले लोग हैं, अपराधियों को संरक्षण और सहारा देने वाले हैं, उन्हीं पर भरोसा करने वाले हैं, लाठियों को घुमाने वाले हैं तेल पिला कर कर करके, लोगों को दहशत और भय और आतंक दिखाने वाले हैं, यही जो है से इनका है। तो ये डरा कर करके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता डरने वाली नहीं है, उनको विकास चाहिए, उनको शांति चाहिए, सद्भाव चाहिए, और वो एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार देती आ रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।